Good morning all of you. Today we will read about the physical features of India. In previous class we are read about the various physical features of India, just like northern Himalaya, just like northern plain, just like peninsular plateau. जैसा कि हमने पिछली कक्षा में भारत के विभिन्न भौतिक स्वरूपों के बारे में पढ़ा, जैसे कि उत्तर का हिमालय प्रदेशों के बारे में हमने पढ़ा, इसके अलावा उत्तर के मैदानों के बारे में हमने पढ़ा, इसके अलावा हमने दक्षिण के पठार या प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हमने अध्ययन किया. नाउ वी आर रीड अबाउट द इंडियन डेजर्ट एंड मोस्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. अब हम भारत के एक महत्वपूर्ण भौतिक स्वरूप जिसे हम इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल और इंडियन ग्रेट डेजर्ट या भारत का महान मरुस्थल के नाम से पुकारते हैं के बारे में अध्ययन करेंगे. जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी रेगिस्तान की बात आती है, डेजर्ट की बात होती है, तो हमारे माइंड में एक ही पिक्चर क्लिक होती है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का पश्चिमी भाग, जहां पर क्या है, जहां पर 61% पार्ट ऑफ टोटल एरिया राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 61% भाग पर, लगभग 61% भाग पर क्या है, डेजर्ट. यानी रेगिस्तान. तो क्या केवल भारत का जो राजस्थान राज्य है वो ही रेगिस्तानी इलाकों में आता है? नहीं. इंडिया के जब जैसा कि हम इंडिया के इस मैप को अगर देखें, इस मैप में अगर हम बात करें, तो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट साइड है जो राजस्थान से स्टार्ट हो रहा है और गुजरात की तरफ आ रहा है, इस पूरे एरिया पर, इस पूरे नॉर्थ वेस्ट एरिया पर जो फिजिकल फीचर है वो क्या है, वो डेजर्ट है या ना रेगिस्तान है. तो अगर हमें ये बात की जाए कि जो रेगिस्तान है, जो डेजर्ट है, वो कौन से डायरेक्शन में है, तो इट इज located on northwest area of India. It called northwest area of India. कि ये भारत का जो है उत्तर पश्चिमी भाग को क्या करता है, covered करता है या ढकता है. तो यहाँ पर देखें, इंडियन डेजर्ट के बारे में सबसे पहले चीज आ रही है toward the western margin of Aravali Hills. यानी कि ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसके कौन से किनारों पर स्थित है, पश्चिमी किनारों पर स्थित है. जो जब हम इंडियन डेजर्ट की बात करते हैं, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है इंडिया के और राजस्थान के रेडियस में से एक बहुत बड़ा जो पार्ट है उसको ये कवर करते हैं, तो उसके जो इसका जो फैलाव है, इसका जो एक्सटेंशन है, वो कौन से वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स, यानी कि अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारों पर यह स्थित है. जो किस प्रकार का है, अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन है. जो किस प्रकार का, तो यहां पर लहरदार रेतीली लहरदार रेतीला मैदान है, जो किससे ढका हुआ है, कवर्ड विद सैंड गनीज, यानी कि रेतीले घोड़ों से यह ढका हुआ है. अब यहाँ पर ये जो घोड़े पाए जाते हैं, ये घोड़े जो हैं, ये किस टाइप के पाए जाते हैं, तो यहाँ पर देखे बताया जा रहा है कि इट इज एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड गनीज. दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल.
है कि यह जो क्षेत्र है, यह जो मैदानी प्रदेश है, यह जो भाग है इंडिया का, यह जो पार्ट है, यह कैसी दो रैंक यानी कि कम वर्षा वाला क्षेत्र है, लो रेनफॉल है, कि यहाँ जो वर्षा होती है वो बहुत कम होती है। यहाँ पर अगर वर्षा की बात की जाती है तो यहाँ पर 10 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है ऐसा माना जाता है। और जब हम यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर टेम्परेचर हो सकता है, तापमान हो सकता है। अब नेचुरल सी बात है कि जब तापमान तेज है तो यहाँ पर पानी की भी कमी है, फ्रीजेस ऑफ वाटर एक प्रॉब्लम। यहाँ पर देखें, इट है ड्राई क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर्स, है कि यह कैसा क्षेत्र है, इट है ड्राई क्लाइमेट यानी कि शुष्क वातावरण, शुष्क वातावरण वाला और कम वनस्पति से ढका हुआ क्षेत्र है, है कि यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वह बहुत कम पाई जाती है और जो पाई जाती है वह कांटेदार होती है। फॉगिंग, देखें यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है, आज जैसे हम खेजड़ी का नाम यहाँ पर ले लेते हैं, है केर, केर सामी का यहाँ पर नाम ले लेते हैं, बबूल का नाम यहाँ पर ले लेते हैं, ऐसी कई और कैक्टस का नाम यहाँ पर ले लेते हैं, नागपनी का नाम यहाँ पर ले लेते हैं, जो कि रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं। यहाँ पर देखें और क्या बताया जा रहा है, स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वर्षा काल में कुछ जल धाराएं उभरती है, कुछ जल धाराएं आती हैं, कुछ जल धाराएं बहने लगती हैं और बहुत ही जल्द जैसे ही वर्षा खत्म होती है ये जल धाराएं जो हैं, है ये जो जल धाराएं हैं यह भी क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, रेत में लुप्त हो जाती है। जब यहाँ पर नदियों की बात की जाती है तो लूणी, देखें यहाँ पर एक नाम आ रहा है लूणी, ये लूणी लूणी जो नदी है रेगिस्तान की एकमात्र नदी है, द लाइफ लाइन ऑफ डेजर्ट, देखें लाइफ लाइन ऑफ डेजर्ट रेगिस्तान की जीवन रेखा के नाम से इसको पुकारा जाता है। लूणी जो है एकमात्र यहाँ की नदी है जो यहाँ पर बहती है। आप देखें लूणी के बारे में जब हम बात करते हैं तो लूणी जो नदी है वह अजमेर से निकल कर आती है और नागोरपारी होते हुए बहते हुए ये कहाँ पहुँच जाती है, मरुस्थली क्षेत्र में रेगिस्तान में बहते हुए ये पाकिस्तान की ओर चली जाती है, यह जो है खंबात की खाड़ी की ओर चली जाती है। नेक्स्ट देखें, बरसात मींस प्रेजेंट शेप डनीज है कि यहाँ पर जो है अधिकांश किस प्रकार के, तो यहाँ पर देखें बताया जा रहा है कि यहाँ पर अधिकांश जो है बरछान यानी प्रेजेंट शेप डनीज मतलब अर्ध चंद्राकार आकृति के दोरे पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार मतलब कि आधे चांद की आकृति के कुछ इस तरीके से, ये अर्धचंद्राकार जो है हमारी आकृति देखने को मिल रही है यहाँ पर, कुछ इस तरीके के जो दोरे हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं देखें यहाँ पर बताया जा रहा है, कवर लार्ज एरिया बड़े क्षेत्र को यह कवर करते हैं, बट लॉन्गिट्यूडनल डनीज है कि जो देशांतरीय या देशांतरीय जो दोहरे हैं बिकम मोर प्रोमिनेंट
मोर प्रोमिनेंट यानी कि स्थाई रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं, अधिक स्थाई हैं। जो कहाँ पाए जाते हैं? नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, भारत पाकिस्तान सीमा के निकट। यू लेट एस यू मे गो टू सी ग्रुप ऑफ बर्चांस। जब हम जैसलमेर क्षेत्र को यदि हम भ्रमण के लिए जाते हैं तो बर्चांस आकृति के जो धोरे हैं, के अर्धचंद्राकार आकृति के जो धोरे हैं वह हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे कोस्टल प्लेन्स, तटवर्ती है मैदान। एक्सटेंड वेस्ट ऑफ द अरबियन सी एंड ईस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल, यानी कि जो अरब सागर के पश्चिम और बंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित है। यहाँ पर देखें, देखने की कोशिश करेंगे हम कि ये जैसा कि पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये क्या, कौन सा पार्ट कहलाता है? ये है अरबियन सी वाला पार्ट कहलाता है, अरब सागर वाला पार्ट कहलाता है, जबकि ये जो पार्ट है ये कौन सा है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी का ये पार्ट कहलाता है। अब इसके जो पश्चिम वाला तट है, इसकी जो वेस्टर्न डायरेक्शन वाला पार्ट है, वेस्ट डायरेक्शन वाला पार्ट है, यहाँ पर कुछ सकड़ा सा एक मैदान फैला हुआ है जिसे यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है? वेस्टर्न कोस्ट का नाम दिया जाता है, पश्चिमी तट का नाम दिया जाता है, जिसमें आप अमूमन तौर पर कुछ पार्ट जो है गुजरात का देखते हैं, कुछ पार्ट जो है वो आप गोवा का देखते हैं, कुछ पार्ट जो है आप महाराष्ट्र का देखते हैं, कर्नाटक है, केरल है, और कुछ पार्ट जो है आंध्र प्रदेश वगैरह का है, जो कि कौन से वेस्टर्न कोस्ट पर फैले हुए हैं, वेस्टर्न कोस्ट पर है ये सारे के सारे पश्चिमी जो मैदानी क्षेत्र है उसमें फैले हुए हैं। अब किस प्रकार का है हमारा वेस्टर्न कोस्ट, तो यहाँ पर देखा जा रहा है हमको वेस्टर्न कोस्ट इज अ नैरो प्लेन, कि यह एक सकड़ा मैदान है। यह कैसा मैदान है? यह एक सकड़ा मैदान है। थ्री सेक्शन, अब इसके जो भाग है वो कितने हैं? इसके तीन भाग हैं, जिसको हम कौन कौन से नाम से पुकार रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है नॉर्दर्न पार्ट, इसका जो उत्तरी भाग है वो कोंकण के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? कोंकण, या गुजरात से लेकर और महाराष्ट्र होते हुए गोवा तक का जो पार्ट है वो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। फिर आ जाता है सेंट्रल स्टेट यानी मध्यवर्ती केंद्रीय या मध्यवर्ती फैलाव या विस्तार जिसे हम कन्नड़ के नाम से पुकारते हैं, कर्नाटक और उसके आसपास का जिसमें पार्ट रखा जाता है। उसके बाद में आ जाता है मालाबार कोस्ट है, कि जो साउदर्न स्टेट्स है, जो दक्षिणी विस्तार है जिसमें केरल और उसके आसपास का जो पार्ट है वो इंक्लूड कर दिया जाता है। अलोंग विद द बे ऑफ बंगाल, के मैदान जो किसके साथ साथ फैला हुआ है? अलोंग विद द बे ऑफ बंगाल है, कि बंगाल की खाड़ी के साथ साथ फैला हुआ है। आर क्वाइट एंड लेवल है, कैसा है? विस्तृत है, बड़ा है। एंड लेवल यानी कि समतल है। एंड कॉल नॉर्दर्न सरकार, जो कि नॉर्थ पार्ट में, नॉर्दर्न भाग में यानी उत्तरी भाग में जो है उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, और अपने दक्षिण भाग में इसको कोरोमंडल कोस्ट यानी कोरोमंडल तट के नाम से पुकारा जाता है। और जो कहाँ स्थित है, जो वेस्ट साइड में स्थित है, ईस्ट साइड में स्थित है, किसके ईस्ट साइड में? बे ऑफ बंगाल के ईस्ट साइड में। ये वाला जो पार्ट है कि जिसमें आप अमूमन तौर पर जो है आप
उड़ीसा को रख सकते हैं, उड़ीसा के अलावा आप जो है पश्चिम बंगाल का कुछ पार्ट आ जाता है, तमिलनाडु का कुछ पार्ट आ जाता है, मद्रास चेन्नई वगैरह आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश का कुछ भाग इसमें आ जाता है जो कि कौन से स्टेट में है। तो यहाँ पर देखें वेस्ट ईस्टर्न कोस्ट है कि जो पूर्वी तट की ओर फैले हुए हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे Now continue we are about the next physical feature of India, which is the Iceland of India. And अब हम भारत के अगले भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ रहे हैं जो क्या है द आइसलैंड कि द्वीप समूह जो इंडिया के, जब हम द्वीप समूह की बात करते हैं तो ये इंडिया का जो ये पार्ट है जो वाटरवे वाला पार्ट है कि जहाँ एक और अरबियन सी है जो अरब सागर है और दूसरी और जो बे ऑफ बंगाल है जहाँ अरबियन सी में हम लक्षद्वीप को देखते हैं और वहीं बे ऑफ बंगाल में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप जो कि मालाबार कोस्ट और केरला यानी कि मालाबार केरल के निकट जो मालाबार तट है उससे बिल्कुल क्लोज जुड़ा हुआ है देखिए लक्ष्य यानी कि लाख लैक्स एंड द्वीप यानी कि जो मिड पार्ट ऑफ वाटर जो भी जल के बीच में स्थित है और चारों ओर से जल से सराउंड है which part of land which is surrounded by the water in the four side। ये इस तरीके का जो होता है ये क्या कहलाता है द्वीप कहलाता है जिस और द्वीप जो किससे मिलकर बना हुआ है कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड कि जो छोटे छोटे मूंगों की चट्टानों से बना हुआ है। देखें कोरल का मतलब यहाँ पर होगा मूंगा एक तरीके का जो है नगीने टाइप का होता है नगीना होता है एक तरीके का मोती जिसको अपन बोलते हैं मूंगा। तो जो लक्षद्वीप है वो किससे निर्मित हुआ है वह मूंगे की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है जो पहले क्या कहलाता था जो पहले नका द्वीप के नाम से मिनिका द्वीप के नाम से और अमन द्वीप के नाम से पुकारा जाता था बट 1973 में 1973 में इसका जो नाम है वह परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम क्या कर दिया गया लक्षद्वीप कर दिया गया। इसकी सबसे बड़ी जो फीचर है इसका सबसे बड़ा जो विशेषता है वो है ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फौना फ्लोरा एंड फौना कि यहाँ पर जो है वह जो जैव विविधता है वो बहुत अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट आता है अंडमान एंड निकोबार जो कहाँ फैला हुआ है जो बे ऑफ बंगाल में फैला हुआ है बंगाल की खाड़ी में फैला हुआ है बंगाल की खाड़ी में कहाँ पर फैला हुआ है तो यहाँ पर देखें नॉर्थ टू साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है और इसका ग्रेट स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्री जो कि राष्ट्र के लिए क्या रखता है एक महत्वपूर्ण सामरिक विशेषता रखता है या महत्व रखता है। आगे देखें क्या बताया जा रहा है देयर आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमेरियस एंड स्ट्रेटजिक। देखें कि यह क्या है आकार में बड़े हैं और छितराए हुए हैं फैले हुए हैं। थैंक यू।